ऑक्टोपस है क्या बहन? क्या? अबे नहीं, ये तो टाइगर है। वो ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की आइसक्रीम कहाँ बन जाएगी यार? ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है बहन, ऑक्टोपस है। अबे गिलगिला सा है वो। तो रात के 1 बजे ट्रिप बुक कर दिया गया आइलैंड और माया पे। तो ये मान नहीं रहे, 500 तो करना पड़ेगा इन्हें। हाँ। भाई चिपट गए आज तो, बार्गेन कर दिया तो ये कह रहे 1 बज रहा, शर्म कर लो। और ये अपनी कैट लेके आए, इनकी कैट बड़ी प्यारी है यार। So, 3 लड़के रात को बारिश में निकल चुके हैं, बूम बूम की तलाश में या टिशू मसाज की। एक सेकंड चुप हो जा, देखिए पीछे क्या दिख गया। रिलीफ, फ्रेश रिलीफ। सुबह 7:30 का हमारा पैकेज बुक है फिफी आइलैंड के लिए, तो उसके लिए अभी 7-11 से चिप्स चॉकलेट वगैरह लेनी है। और मतलब इतने अलार्म लगा दूंगा, 5 बजे से अलार्म लगा दूंगा होटल में। वो कह दूंगा मगर 5 बजे वो वाली घंटी बजाना शुरू कर दी सुबह। 2000 बाद पर कहना 2 घंटे घस्सा बजेगा बेटी। मजा है बेटी, 2000 का मतलब 5000 रुपए, 2000 बात का मतलब। उधर बाप खेतों में इतनी मेहनत कर रहा, वो गेहूं बेच कर रहा है इतनी मुश्किल, यहाँ 5000 बात 2 घंटे घस्सा मरवाने के। 15000 में मजा आ जाएगा। चल लो भाई भाई। ओहो लेडीज नाइट, चल तेरी तो नाइट आ गई। ढाका नहीं छोड़ता भाई इंडियन रेस्टोरेंट को। वेलकम इंडियन ओरिएंटल किचन। इंडिया में दारू भी चल रही क्या भाई? है बोलो, मैंने पता चिकन है तो मेरे इंडिया। ये तो कुछ दिक्कत ही ले ली मैंने, ये परेशान नहीं करेगी जो भी चीज है। ये ऑक्टोपस है क्या बहन? क्या? अबे नहीं, ये तो टाइगर है। वो ऑक्टोपस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड विद ग्रेवी। नहीं ऑक्टोपस तो नहीं है ना, एडवर्टाइजमेंट है। तो क्वालिटी बोल्स की भाई, मजे लो ना। ऑक्टोपस की आइसक्रीम कहाँ बन जाएगी यार? है ऑक्टोपस है बहन, ऑक्टोपस है। अबे गिलगिला सा है वो ऑक्टोपस। दीदी मुंह में रहने दो भाई, तो अपना दूसरा खा ले वो जो लाया यार, नहीं पता लगनेगा। लग नहीं रहा ऑक्टोपस। ये ऐसा हो सके कि कोई वैसे क्रीमी ऑक्टोपस वैसे ही बना रखा हो, जेली का ही बना रखा हो कभी ऑक्टोपस? ये जेली का ही बना रखा इन्होंने। चलो चीज तन्ना कभी खाई नहीं तो क्यों खावे वैसे ऐसी जगह। मेरा मेहमान सब खू गया हमारा था। आइसक्रीम में ऑक्टोपस कैसे हो सके यार? यहाँ सब कुछ ही नहीं गई है, जानवरों को तो यहाँ खिलौना बना रखा। अंदर तो फिट है मामला, अंदर तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। मुझे लगा स्ट्रॉबेरी और इसकी वेजिटेबल यार, ये सच में ही ऑक्टोपस था। बेचारा बढ़िया तिर रहा होगा। अब ठीक है, अब वेज हो गया। मैंने एक मिल्क वाली ले ली थी सिक्योरिटी के लिए, और वही खानी पड़ी। अंदर से बहुत बेकार है। ये देखो उनके कमरे में पूरी गंद उतरवा दी, और अपना कमरा एकदम साफ है। अब कल सुबह हमें फिफी आइलैंड वो वाला बैग लेके जाना, तो इसलिए उस बैग में से मैं सारा सामान इसमें शिफ्ट कर रहा, और सुबह 7 बजे निकलना, तो सारा सामान लगा के सोऊंगा, जिससे सुबह उठूं ब्रश करके बस सीधा ये बैग वैग लेके चला जाऊं। चलो बढ़िया है, इन वालों ने तो डेंटल किट भी दे रखी है, तो सुबह बार बार इन्हें कॉल करके परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना अब तक जितने होटल में हम रुक रहे थे वैसे 4-5 स्टार थे, पर यार कोई भी डेंटल किट नहीं दे रहा, सब कॉल पे ही कर रहे थे। शायद यहाँ ब्रश करने का कल्चर ना हो भाई, कॉल करने भाई पकड़ा के जाते। और एक ने तो 20 कॉल करने के बाद दी थी वहां कतई भाई, अभी शायद दतू नहीं चले दिखे इनके इस देश में। द नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों, आज है थाईलैंड में आखिरी दिन, फुकेट में मतलब दूसरा दिन, और कल हमारी फ्लाइट है। पर यहाँ पे तो अबे ये तो ग्लास सेम भी रखे जो हमारे घर पे, प्लेटफॉर्म सेम यही शेप एंड साइज के ग्लास रखते हैं। चलो मैं नीचे जा रहा हूँ यार, वो बंदा आएगा टैक्सी वाला तो कोई तो होना चाहिए। अक्षित ब्रो वो आ लिया, चल खड़ा हो जा, खड़ा खड़ा खड़ा। 7 बजे आज तो एक वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जिसने वो भी गा रखा, तू बॉम्बे की गोरी है मैं पंजाबी। ये मुझे उसके ऐसी शर्ट क्यों लग रही? पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसे टाइम और जगह मिला, सोए नहीं दिखा है रात से। चल भाई रे खड़ा हो ले। हमें तो उसने भाई ये कहा था कि होटल की लॉबी में आके बैठ जाना, तो होटल की लॉबी में आके मैं बैठ गया, पहरा दे रहा हूं मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा कोई आवेगा मुझे उसे पकड़ना, लेकिन साले को बहाना नहीं देने का कि मैं मिला नहीं। टाइम की पंक्चुअलिटी देखो तुम, 7:25 हो रहे हैं और ये आ गया बंदा। यहाँ के लोग भाई टाइम के बहुत पंक्चुअल है, स्पेशली जो लोग टूरिस्ट के साथ काम करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आते होंगे जो टाइम को बहुत ज्यादा तवज्जो देते होंगे। बाकी इंडिया में तो 7:30 कह दिया तो 8 बज जाते या 7 बजे ही आगे चला जाता, लेकिन 7:20 पे अटेंडेंस देंगे, 7:35 पे निकल जाएंगे। भाई रास्ते में आते हुए तो मौत आ रही थी, ऐसी नींद आ रही थी ना। कॉफी कौन कौन पिएगा? रचित कॉफी, अक्षित तू पिएगा कॉफी? यार अगर ये पीते तो मैं इनसे बनवा लेता, कैसे बनाए कॉफी? ये ग्लास अरे सिंपल है, सीधा नेस्कैफे का पाउच डालो और वो रहा पानी। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में जूसेस हैं और जैम, इधर से अपने टोस्ट बना लो। ये भी तो है मेरा, उधर जूतों की हो रही है भाई शॉपिंग आए तो, स्विमिंग वाले जो बता रहे हैं वो आए फीफी में, ये वाली दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो आ गया कलर पसंद, सही है ना? हाउ मच फॉर दीज थ्री? 900। कुछ नहीं है, एक सिंपल जुराब सी है, नीचे थोड़ा सा सोल है, एक पैर 300 बात का है। क्या बढ़िया पागल बनाने की स्कीम है, ऐसा पागलों की तरह बोलता फिर रहा, कोई इंटरेस्टेड है नहीं। आज आगे बैठ के, आज फ्रंट सीट मिल गई क्रूज पे, यहाँ भीग जाओ। तो बेटी वहाँ भी जाएंगे, जाना होंगे बारिश से डर के पीछे चला गया।
आएगा, रिग्रेट करेगा। ऐसा लग रहा नजारा? यो सर रियल है भाई। ये तो है भाई, मतलब वही कहूँगा कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा। खाई कैमरा गए तो आंख भी जस्टिस नहीं कर पा रही, इसके लिए तो आंख मेरी प्रोसेस नहीं कर पा रही दिल्ली के पोल्यूशन को देखने के बाद। अभी बोट साइड में लेके जा रहे हैं, तैरना है किसी को? ना यार तैरना तो नहीं, पर यहाँ पे अगर तैरो भी ना तो नजारा बहुत तगड़ा है। कितनी महंगी बोट है? अरे वो है महंगी तो, लेकिन हमारे उससे थोड़ी सी पीछे है, बस काफी पीछे है क्राउड में तो। क्राउड में तो बहुत पीछे। लड़कियों को बियर पीते हुए देख पा रहा, जो कि मैं यहाँ नहीं देख पा रहा अपनी बोट पे। लेकिन वो चेंज कर रहे हैं यार बोट, लॉन्ग टेल से उसमें जा रहे हैं। लॉन्ग टेल में फोटो खिंचवा रहे हैं। लॉन्ग टेल यहाँ पे बोट, लॉन्ग टेल बोट अवेलेबल है फोटोज के लिए। अच्छा, पे करो इनमें फोटोज खिंचवाओ। ओह मैन, नहीं भाई हम क्यों खिंचवाएं लॉन्ग टेल में, हमारी तो मोटर है ना। लॉन्ग टेल थोड़ी सी लुक में अच्छी लगे ना, फोटोज तो अच्छे आएंगे यार लॉन्ग टेल पे। मैं तो नहीं दे रहा भाई इस चीज के पैसे, मेरे पास आई नहीं पैसे, मैं दे सकता यार। ये जो नजारा है ना, ये वाला जो नजारा है, ये मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा है नैनीताल में खड़े। लेकिन आज पहली बार बहुत एंड में जाके फोटो ली। आज मैं इन्हें यूं सिखा रहा कि कैसे जीवन के नजारे जिए। और हम पानी में इसलिए नहीं कूद रहे क्योंकि पानी में यार स्विमिंग वाले ही लोग ही कूद रहे, पानी बहुत गहरा है। अरे नहीं यार दिक्कत ही है, 5 बजे तक रहना, 5 बजे तक छप्पड़ चाहिए, कहाँ रहेंगे एंड वाले में तैरेंगे थोड़ा। ये लॉन्ग टेल बोट यहीं खड़ी रहेंगे सुबह शाम तक, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इतनी दूर आ सके रोज रोज। रे बताओगे क्योंकि रे एक मिनट रिग्रेट कर रहा होगा ना। हाँ भाई ठीक है, मान ले की बारिश आ रही, तुम भीग जाओगे यार। यूं कहते ही रहेगा बारिश बंद हो, बारिश बंद धूप आगे बेहतरीन। कोक पीनी? कोक पिएगा? पानी पियो, जान बनाओ, शादी बनाओ, शादी बनाओ, फिर बच्चे बनाओ, बच्चा बनाओ, अंटू करो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पानी है कुछ, बहुत सारी ड्रिंक्स है। उस लड़की ने दो लोंडो का बढ़िया दरगाह कट्टा, एक बहुत ही सुंदर सी लड़की थी, दो लड़कों से फोटो खिंचवाई, किसी स्माइल पास करी और फिर अपना निकलेगी, अपने खिंचवा के 50। यार पर बड़ी क्यूट थी, मैं तो 100 भी खींच देता, और 100 खींच के अपना फोन भी उसे गिफ्ट कर देता। उनके तो दो दो खींचे, उनको पहले लाओ थारे खींच रही। हाँ, और फिर Nice one. भाई उनके दो दो खींच के अपने 50 खिंचवा लिए उनपे, पहले आगे उन्हें पाड़े पड़ा है। आई विल क्लिक फॉर यू, आई विल सर्च यू फ्यू पिक फ्यू पोजेस एंड देन यू हैव टू क्लिक फॉर मी। वो मानेंगे अपने उनको? हाँ जी हाँ जी। और उन्हें मुंदे बैठा गए यहाँ पर, मुंह करवा गए, तीन फोटो खींचे उनके और अपने 50-55 खिंचवाए। ये पहली ऐसी जगह है थाईलैंड में जहाँ हमें थोड़ी भीड़ मिली, क्योंकि हम ऐसे टाइम आए जो टाइम काफी क्राउडेड रहे यहाँ। हम आ गए माया बे बीच पे, अब फटाफट उतरना है, बहुत भीड़ हो रही है बीच पे क्योंकि बोट है, 1x1 लगती है यहाँ पे। बहुत गिरना चाहिए, पलटना पड़ेगा, ध्यान रखियो भाई अरे बैंड वालों का। इन्हीं के साथ वापस आना वरना टैक्सी करनी पड़ेगी, बोट टैक्सी 2000 बाद। देख ऐसे सबने अपने अपने बैंड बनाए हुए हैं यहाँ पे। ऐसी फ्रेश हवा चल रही है और इतनी भीड़ है सामने, इतनी भीड़ है, री सिनेमेटिक लेने लग रहा है अभी लगा दूंगा इस क्लिप के बाद। और बाकी जगहों के मुकाबले यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ है। ऐसा हो रहा है दर्शन से हो रहे हो किसी के, प्रसाद चढ़ रहा हो। कैमरा के पीछे जो भी पंच लाइन बोल रहा पहले उन्हें लिख के अरे लग जाके बोल गया यहाँ कैमरा पे फनी बन के। हाँ यही कर रहा तो पिछले 1.5 साल इसी पे है मेरा क्रिएटिव एंड। देख यहाँ तो कुछ बात है, एकदम ऐसा है नीला कहना भाई साहब, बहुत खुला माहौल है, सब बिकने वही है भाई साहब, बहुत ऊंचे विचार के लोग हैं, बहुत ऊंचे विचार हैं जीने के तो। अरे ऊंचे पहाड़ भी है, पहाड़ भी ऊंचे यार, बता समुद्र भी, रेत भी और पहाड़ भी, ऐसे ही हो गया बीच पे। ऐसा कहा वो देखने लगे गोवा? हाँ गोवा में तो खाली बीच है, लेकिन यहाँ पे यार जितना नीला पानी है मैं इसकी तारीफ करता करता थक गया। मैं सोच रहा है कि मैं तैरता तैरता ना उधर चला जाऊँ यार।
व्यू तो यही वाला है बस। पर भाई साहब जो खुला माहौल है मैं इसकी तारीफ करना चाह रहा हूँ। भाई ना बहुत खुले विचारों के लोग हैं यहाँ तो। अजी इनके कल्चर में ढाल दो मुझे। Been a little too nice to y'all. Now I got a price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. I won't get involved today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. I'm flipping the flipping the flipping the all record off record. पिन ने किस टाइम कहा था आने को? 12:35 पे 12:31 तोलिए। मुझे ये समझ नहीं आता। चार लोंडे हम। फोटो किस किस की ली जा, फिर रील किस किस की बने, उसके बाद अंकों से भी देखना और फिर व्लॉग भी करना और फिर घर पे भी फोटो भेजनी। और फिर रील भी आ रही भाई। घूमने का टाइम भी आधा घंटा। तो इसे धर्म संकट नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? हम कमजोर हो गए यार 6 दिन में। वो कहना घर वाले झटक गए तुम तो झटक गया तो लटक भी जाए। 360 डिग्री कैमरा में लिया फनी। ट्रॉली लगा लेना यार। ये वही है मेटा फेसबुक क्रिएटर, उसमें दियो रखे हैं। एक फोन घूम हो जाए 360 डिग्री। हाँ उसमें एक क्रिएटर बार बार ही रहता है। अच्छा भाई 12:35 पे क्वीन ने उगा था, मिल लियो वहीं जहाँ छोड़ा था हमने। उठा उठा भाई उठा। अरे 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 आराम से अमिताभ के बेताज बाद शो हुआ। अमिताभ की तरह मैं साबुन नहीं उठाएगा। अच्छा पूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बताया यार। पानी पी लूँ क्या? वैसे माया बे बस एक साइड सीन की तरह ही है ये बीच। यहाँ पे सिर्फ आधा घंटा रुके हम लोग। व्यू अच्छा था। शायद फीफी जाएंगे अब इसके बाद, या शायद एक बीच और जाएंगे उसके बाद जाएंगे। आ गए भाई फीफी आइलैंड। और इस फीफी आइलैंड के ऊपर भी होटल्स हैं। हमारी बोट अब स्कूबा और स्नोकलिंग के लिए जा रही है तो हम यहीं पे फीफी आइलैंड पे उतर गए। और ये भी फीफी का कोई सा साइड है, मतलब पूरा फीफी साइड ही नहीं है, इसको कुछ डोम या कुछ ऐसा बोलते हैं, डोन फीफी डोन या समथिंग। कुछ रेस्टोरेंट पे खा पी लें या नहाना है बस यार। रूल्स रेगुलेशंस का आइडिया नहीं है मैं, बाकी तो बाकी यहाँ पे मैंने काफी ड्रोन शॉट्स देखे हुए पहले ही, पर ये एक्सक्यूज बना के मैं बहुत बार फंस चुका। पानी वैसे उठाने के लिए रेडी हो गए ड्रोन को अपने? देख मेरे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि मैं उड़ा सकूं, मैं तो उड़ाने का। पर देख छक लिया मैं हॉलीडेज से, मेरा मन मेरा गले तक भर गया हूं हॉलीडेज से। बैक टू वर्क जाने का मन कर रहा है। बैक टू वर्क है, बैक टू ग्राइंड है। मैं यूं कह रहा, मेरे हाथ में कलम दे दी ना 6 वीडियो लिख दूंगा। तेरा क्या मन है? तू अभी 4 दिन और तुझे मिल जाए एक्सटेंड करने, कर लेगा? बढ़िया मजाक करते हो भाई। वीडियो करनी है बस जाके, अब बस यही मन है मेरा। दो स्पॉन्सर आ चुके हमारे तो, इन्हों कह रहे की थाईलैंड का पैसा कंपनसेट हो जाएगा अभी के अभी, तो आज रात उड़ा रहेगा। आज रात याशी कर लो, यहाँ याशी थोड़ी महंगी है, इसे देख लो। ढाका तो ये तो जिंदगी से बहुत पहले बेचारा त्रस्त हो चुका था। ढाका के तो पैर में जुराब सी लग रही है, जूते भी। आज कुछ ज्यादा भीड़ है यार, यहाँ पे ट्यूसडे का हॉलीडे तो नहीं रहता यार। नहीं मुझे लगा फीफी भीड़ भाड़ का है। फीफी सबसे फेमस है, नाम है इसका, नाम चल रहा है जैसा मेरा चल रहा है यूट्यूब पे। और क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट भी है तो उसकी वजह से भी वो है। बहुत अच्छा दिमाग लगाया भाई। और कहीं दिखे तो मैं किसी आइलैंड पे? हाँ दिखे, मन की निगाहों से दिखे मुझे, बहुत तेजी से दिखे। धारे होंगे वो जो चल नहीं रहे होंगे। इसे देख लो, इसे इसे कैसे वापस लाऊं मैं? यो ना इंडिया में ना थाईलैंड में, इस टाइम ये तो कहीं हो रही है। इसे इस टाइम यू नहीं दिख रहा कि यो व्यू इसे ठीक 24 घंटे बाद दिखाई नहीं देने का। यो BGM ही एंड हुआ स्टोरी डाल ले यार। ये व्यू तो अमीरों वाला व्यू है पूरा, अब तक सब बढ़िया है इस पैकेज में जिसमें हम आए यहाँ पे। लेकिन एक दिक्कत है, जो इन्होंने बुफे सिस्टम करा ना उसमें ऐसी गैस बन रही है, ऐसी चिकन और फिश की स्मेल आ रही थी कि हमारे पास तो घुसा भी नहीं है। हमने तो अपना बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक भी डन। नहीं वहाँ गैस भी बन रही थी अजीब सी लोगों की, भीड़ बहुत थी वहाँ। 2-3 बोट एक साथ उतरी थी ना, तो अपने खाने पीने का जुगाड़ करके हमें, हाँ इनसे आप स्नैक्स ले सको वो ठीक है। और जो हमारी बोट पे किंग थे ना, जो एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे नीदरलैंड वाली, अब 2 अमेरिकन से उनके साथ फ्लर्ट कर रहा। कोई कोई बस पैदा इसी चीज के लिए, और मिलता कुछ नहीं। हाँ। इसे जाके बता दे 2000 बात खर्च करने पड़ेंगे, यहाँ फ्री में कुछ नहीं है। नहीं यार लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो किंग करके जाएंगे आज यहाँ से। ये रस्सियाँ किसने लटकाई हुई हैं, या मंकी नहीं कर रखा है अभी? और सच में मंकी बीच का मतलब यार मंकी है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, ये किसी और वजह से कर दिया। चिकन आइलैंड सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर की वजह से था। आगे पीछे चौधरियों के लड़कों ने अब क्या ले लिया दिखाइए जरा। स्नॉकलिंग के लिए ये ले लिया और लाइफ जैकेट भी ले ली। कहाँ है भाई लाइफ जैकेट? ये रही।
अब इस टाइम आप पानी में बढ़ेंगे और स्नोकलिंग करेंगे। तो अभी हम बुट्टा ले रहे थे और ये है यहाँ पर 60 बात का। सिटी में तुम्हें 100 का मिल रहा है रात में? हाँ, रात में हम स्ट्रीट पे जब मैं अक्षय और लक्ष्य घूम रहे थे तो 100 का एक बुट्टा था। दोनों ही वो है महंगे हैं। पैसे तो दे भाई, मैं भी खा ली हूँ, बर्तन मांज लेंगे। अब उसे बोल भी दे दो, अब मम्मी करेंगे स्नोक। जा भाई, यार ये पिछवाड़े में घुस रही बहन। भाई सॉरी, गलती से तोलिए में और रेता गिर गया। हमारे पास गोप्रो नहीं है तो वी आर सॉरी, मुझबान नहीं बता देंगे कैसी लगी। और मैं और अक्षित ये पहले ही कर चुके एक बार गहरे समुंदर में, जहाँ पर मछलियाँ भी तरह तरह की थी, तो हम इसलिए नहीं कर रहे, हम पेट पूजा कर रहे और ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने इन्हें पहले भी कहा था कि करके देख लो वहाँ पे जब बोट में थे, बट ट्राई कर रहे हैं अभी ये यहाँ पे। मैंने तो अपनी जगह करके देखी। हाँ, वहाँ वाले तो कुछ अल्टीमेट, वहाँ मछलियाँ अलग अलग तरह की थी यार। क्या का रिएक्शन मिला मछलियों को देख कर? भाई बहुत फैमिली हो ये भाई, ये कुछ ना कहती, ये बहुत मन करे इनका आदमी से मिलने का। भाई मैं तो यही पाल लूँगा। इस जगह भी मछलियाँ हैं, मतलब बहुत पास में है। हाँ, टूर हुआ खत्म फीफी एंड माया बीच, और कहाँ गए थे खाई आइलैंड का। और इस टाइम कच्चे बच्चे सब गिल्ले हो रहे हैं अंदर के, और 1.5 घंटे का सफर है जो मैं सोने की सोच रहा था, पर गिल्ले कच्चे में कहाँ सो जा, खुद से ही गिन हरी। तेरे से तो मुझे वैसे भी आ गए पूरा टप, गाड़ी पूरी गाड़ी टपका दी मैंने, इतना गिल्ला हूँ मैं अभी। हाँ, लेकिन जोश के साथ अभी होटल जाके बात करेंगे। अभी होटल जाके सोना है, थोड़ी देर बाहर चलें, बाहर चलेंगे यार, सोना तो है ही फिर बाद में। आज तो बाहर चलेंगे ना, दो होटल जाके वीडियो अपलोड करनी पहले। हाँ, वीडियो अपलोड करके निकल जाएंगे, तब तक मैं जरा पैसे निकाल लूंगा, क्योंकि आज जो है आखिरी दिन है, आज फुल मजे लेंगे। आज किसी जगह भी पैसों की कमी नहीं लगनी चाहिए। मजे कैसे? मजे कहना क्या चाहते हो? 2000 बात वाले ही क्यों? मैं अब 18 का हो गया, आज बर्थडे है मेरा, आज तो आईडी कार्ड मुंह पर मारूंगा मसाज सेंटर वालों के और पैर आगे कर। आज का दिन बहुत ही ज्यादा टायरिंग था, पर मतलब जितना हमने आज एक्सप्लोर किया हमने कभी नहीं किया इतना किसी भी ट्रिप पे। रात मतलब ये व्लॉग तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि रात मैं आधा व्लॉग करके सो गया और सुबह में 7:30 बजे निकलना था, तो मैंने अब रचित को लगा दिया, मैं कहा स्पीड की जरूरत है। खराब हो जाएगा।